गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट, मैं अमन शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिपोर्टेड स्पीच, उस रिपोर्टेड स्पीच में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच, इम्परेटिव सेंटेंसेस की रिपोर्टेड स्पीच और लेटर्स वाले सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच बनाना हमने सीखा, उसे रूल्स हमने जाना। आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे उनका आपको इनडेप्थ स्पीच हमें बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। टॉपिक का नाम है आर एस वे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मीन्स होता है स्टूडेंट्स आशीर्वाद वाले वर्ब, ऐसे सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स, वेयर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? कि ऐसे सेंटेंस जिनमें सेंस आए, और किसका सेंस आए, ब्लेस का आए, ब्लेसिंग का आए, कर्स का आए, विश का आए, ठीक है, प्रे का आए, वो कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसको हम जानेंगे कि ऐसे सेंटेंस में सेंस किसका आए, ब्लेसिंग का, आशीर्वाद का आए, कर्स श्राप का आए, या फिर किसका आए, विश का आए, वो कहलाते हमारे ऑपरेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब कैसे बनेंगे, तो इसकी पहचान होती है। पहचान ये है कि हमारा जो आर एस का जो वैक्स है, ये आर एस का वैक्स मी से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? मी। जी हाँ, मी से होगा। अब मी में आपको ध्यान रखना है, मी मॉडल ही होता है, ठीक, लेकिन वैक्स के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आया। क्वेश्चन मार्क आ गया तो मॉडल का काम करेगा, समझ रहे हो, ठीक है। मी से स्टार्ट होगा, क्या मिलेगा आपको, एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा। ये इसकी खास पहचान है, ठीक है, कि आर एस का जो सेंटेंस है स्टार्टिंग विथ मे एंड एंडिंग विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्लियर? तो वो सेंटेंस होगा हमारा कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ये हमारी पहचान हुई। दोबारा देखो कि आर एस का सेंटेंस मे से स्टार्ट होगा और वैक्सेंस में क्या मिलेगा हमको, एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा। क्लियर? अब इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल है, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। आरबी का जो सेड टू होगा, क्या होगा, आरबी का सेड टू, वो आर एस के सेंस के अकॉर्डिंग, आर एस में जो सेंस आएगा ब्लैक का, बिस्कुट सेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना चाहिए। ठीक, यदि विश शुभकामना का हो तो हम किसको चेंज करेंगे, विश में चेंज करेंगे। आशीर्वाद का भाव हो तो आर्मी स्टैचू को ब्लैक में चेंज कर देंगे, श्राप का भाव हो तो कर्ज में चेंज कर देंगे, प्रे का भाव हो तो परेड में चेंज कर देंगे, हॉप का भाव हो, इच्छा का हो तो हॉप में कर देंगे, डिजायर का हो तो किसमें कर देंगे, डिजायर में कर देंगे, इस प्रकार भी चेंज कर देंगे। ठीक, शुभकामना ग्रीट का हो तो ग्रीटेड में कर देंगे। ठीक, आशीर्वाद जब नश्राप का हो जाएगा, ये प्रार्थना, ठीक, और इच्छा में हो, में आशा हो, ये है फर्स्ट रूल कि आरबी का जो सेट टू होगा वो अकॉर्डिंग सेंस, किसके अकॉर्डिंग सेंस, रिपोर्टेड स्पीच के आर एस के वैक्स का जो सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम आरबी के सेट टू चेंज करेंगे। ठीक है, शुभकामना का भाव है तो विश में, आशीर्वाद का है तो ब्लेस्ड में। ठीक, कोई श्राप दे दिया कि तेरे कीड़े पड़े जल्दी मरे, ठीक, तो वो किस में, कर्क में। प्रार्थना का है तो प्रेड में है। ठीक, डिजायर का, इच्छा का है कि काश में डॉक्टर होता, कि ऐसे सेंटेंस, ठीक है, तो उसको हॉप या डिजायर में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये तो था आर्मी का। क्लियर?
सेकंड क्या है, सेकंड है कि दोनों सेंटेंस है इसको कैसे जोड़ेंगे हम, दैट लगा कंजेक्शन लगेगा, वो क्या लगेगा दैट ही लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड होगा इस स्थान पर, हमको क्या लगाना है दैट लगाना, क्लियर स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड होगा के कारण क्या लगाना हमको दैट। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सेंटेंस बना दो, मे को हम सब्जेक्ट के पीछे ले जाएंगे ठीक, और मे को जो सब्जेक्ट पीछे ले जाएंगे तो मे को हम चेंज कर देंगे, जिसमें माइक को चेंज कर देते हैं और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क को क्या करते हैं हटा देते हैं, रिमूव कर देंगे, क्लियर। तो ये था हमारा ऑपरेटिव सेंटेंसेस का रिपोर्टेड स्पीच बनाना, दोबारा सुन लो, आर एस का जो सेंटेंस है मे से स्टार्ट होगा, वैक्स के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, क्लियर। आर ई का जो सेट हुआ वो चेंज करना आपको विस्क में, ब्लैस में, कर्स में, प्रेड में, ऑफ में और डिजायर में, ठीक। दोनों सेंटेंसेस को संयोजक किससे जोड़ना है, दैट से जोड़ना है, जी हाँ दैट से जोड़ना है, टू नहीं लगाना, इफ नहीं लगाना, डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगाना, अब क्या लगाओगे दैट लगाओ, क्लियर। और मे चेंज हो जाएगा माइंड में और एक्सपेरिमेंट मार्क हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। चलो तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, Tomorrow said to me, Tomorrow said to me, Tomorrow ने मुझे कहा, May I got 95% May got 95% mark। अब देखो स्टार्ट किससे हुआ है, एक्स है मे से हुआ है और क्या रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, ठीक। करो कैसे बनेगा, मोनू का मोनू सेट टू चेंज हो जाएगा, विस्क में विस्क है तो सामना है, ठीक है, मोनू विस्क मी, दोनों सेंटेंस को डेट से जोड़ देंगे, क्लियर। आई को चेंज करेंगे मोनू से, वही रूल से आई चेंज होगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आ रही है, क्या आएगा जी मी चेंज जाएगा किसमें, माइक में, सॉरी डॉट की वेट आ रहा है, ठीक है जी माइक, और क्या जाएगा गेट 95% क्या, क्लियर। जैसे एक और देखते हैं, सालू साधु उनसे कहा मेयू कुंडाई, मेयू कुंडाई तुम जल्दी चल जाओ मर जाओ, क्या दे दिया अभी साहब दे दिया, साधु ने बन जाएगा क्या, साधु टैटू को चेंज किसमें कर देंगे हम, जो सेंस आया उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, किसमें चेंज हो जाएगा कर्ज में, क्लियर। साधु कर्ज फिर क्या आएगा देन, साधु कर्ज देन, दोनों सेंटेंस को जोड़ दो, डैश से जुड़ जाएगा, यू को चेंज करो देन से क्या आएगा दे, क्योंकि सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, तो दे मी को बना था कहाँ पे ले जाएंगे, मी चेंज जाता है माइक में, माइक और सून हट जाएगा। तो ये था हमारा आर एस विथ ऑप्टेटिव सेंटेंस, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज करता हूँ, ये स्टूडेंट की ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्स ब्लेस विथ आदि का भाव वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। पहचाने कि आर एस का सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, मे से स्टार्ट होगा और सेंटेंस के अंत में आपको क्या मिलेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क को मिलेगा, तो वो सेंटेंस होगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब कैसे बनाएंगे, तो आर्मी का जो सेट हुआ उसको या तो विस्ट में या फर्स्ट में या ब्लेस्ट में जो भी सेंस आएगा आर एस का सेंस के अकॉर्डिंग में क्या करना है चेंज करना है, क्लियर। जैसे पापा सेट टू मी, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो ऐसे सेंटेंस जो है ठीक है ना, इस प्रकार से आपको करना है।
टैक्स टू को चेंज कर देंगे, उसका जो सेंस आएगा विच है तो विच, कर्स्ट है तो कर्स्ट, ब्लेस्ड है तो ब्लेस्ड। दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ देंगे हम, डैश से जोड़ देंगे, क्लियर। और मे को पीछे ले जाकर कुछ चेंज कर देंगे, माय को चेंज कर देंगे और एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर डालेंगे, अन्य लोग मुझसे हमारे वो एल एच इज होगा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।